ध्रुव राठी कभी मेरे वीडियो का रिप्लाई नहीं कर सकता और ये मैं लिखित में दे सकता हूँ, क्योंकि वो जिस दिन देगा वो खुद फंस जाएगा। भाई ये ध्रुव राठी की कोई एक वीडियो देखी है मैंने, मैं एक बारी पर्सनली बात करूंगा पहले, लाइव आने से पहले। तो पर्सनली अगर प्यार से समझौता होता है अच्छे हिसाब से तो ठीक है। आनंद महिंद्रा सर जो है हमारे विषय में ट्वीट किया कि हमारे विषय में कुछ लिखे, कुछ बताए। हे गाइस, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ध्रुव राठी और रजत दलाल के बारे में। तो क्या ध्रुव राठी और रजत दलाल के बीच कंट्रोवर्सी हो सकता है? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि शायद आपको पता होगा कि ध्रुव राठी ने हाल ही में अपना एक कंटेंट अपलोड किया हुआ था जिसके बीच में कंट्रोवर्सी टॉपिक के ऊपर बात कर रहे थे, जिसमें इनडायरेक्टली रजत दलाल को भी रेफर कर दिए थे। आप उस क्लिप को देख लीजिए। और जैसा मैंने कहा, वैल्यू सब्जेक्टिव होती है और सिचुएशन पर डिपेंड करती है। हो सकता है फालतू कॉन्ट्रोवर्सी वाला घटिया कॉन्टेंट मुझे और आपको वैल्यूबल ना लगता हो, लेकिन वहां पर कोई है जो उसे देख रहा है, और चाहे उसे वो देखना पसंद ना भी हो, फिर भी माइंड एंटरटेनमेंट के फॉर्म में यहाँ वैल्यू का ट्रांसफर हो रहा। और जैसे ही ये क्लिप उन तक पहुंचा, वो इंस्टाग्राम में ये वाला स्टोरी अपलोड कर दिए। भाई ये ध्रुव राठी की कोई एक वीडियो देखी है मैंने, एक घंटे में लाइव आ रहा हूँ ट्रेन पर ऐसे। लाइव हो सकता है मैं सुबह करूँ, मैं एक बारी पर्सनली बात करूंगा पहले, लाइव आने से पहले। तो पर्सनली अगर प्यार से समझौता होता है अच्छे हिसाब से तो ठीक है, वेल एंड गुड है। नहीं होता तो लाइव आता हूँ, थोड़ा सा सबर रखो, सुबह तक पता नहीं। वो बोल तो रहे हैं कि इस चीज को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं बातचीत के जरिए। यदि बातचीत के जरिए सॉर्ट आउट नहीं होता है तो उनके बीच कंट्रोवर्सी हो सकता है। एनीवेज, तो बात कर रहे हैं ध्रुव राठी की, तो क्या ध्रुव राठी को एक्सपोज कर दिया गया है? दरअसल एक क्रिएटर है इंजीनियर रिविल्स के नाम से, जो ध्रुव राठी के ऊपर काफी सारे एक्सपोज वीडियो बनाए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ध्रुव राठी ने उनको रिप्लाई नहीं दिया है, बट ट्विटर पर शायद उनको हाइड किया हुआ है और ब्लॉक भी किया हुआ है। इसके बारे में बात करते हुए इंजीनियर रिविल्स ने क्या कुछ कहा, आप खुद ही देख लीजिए। ध्रुव राठी के फैंस कहते हैं कि ध्रुव राठी मुझे नहीं जानता है ना, और जब मैं उसको एक्सपोज करता हूँ तो मुझे रिप्लाई नहीं करता है। अब देखो मैं दिखाता हूँ कुछ आपको इंटरेस्टिंग सा। ये हमारे मिस्टर राठी, इनका देखो यहाँ पे इन्होंने हाइड किया हुआ पोस्ट। ये तो मेरा वाला वीडियो है जो मैंने एक्सपोज किया था। अच्छा, ये वो वाला वीडियो जो मैंने ईवीएम वाले पे एक्सपोज किया था, डिक्टेटर वाले वीडियो पे। वाह भाई वाह, वाह वाह वाह, इतनी क्या फट रही है भाई, मेरे वीडियोस को कोई कोट कर रहा है, रिप्लाई में डाल रहा है, तो तुम उसको हाइड कर दे रहे हो। वाह, और ये बात करते हैं कि फ्री स्पीच नहीं है, डिक्टेटरशिप है देश में। वाह वाह वाह। देखो ये दूसरा वाला वीडियो जो इसने ट्वीट किया था, डिक्टेटर वाला, डरा हुआ डिक्टेटर, इसने हाइड किया हुआ है। ये देखो मेरा वीडियो किसी ने लिंक डाला हुआ है और इसको इसने हाइड कर दिया। वाह वाह। ध्रुव राठी कभी मेरे वीडियो का रिप्लाई नहीं कर सकता और ये मैं लिखित में दे सकता हूँ, क्योंकि वो जिस दिन देगा वो खुद फंस जाएगा, क्योंकि उसके सारे ये जो कारनामे मैंने दिखाए हुए हैं वो दुनिया के सामने आ जाएगा। मैं इसके ट्वीट के नीचे या पोस्ट के नीचे रिप्लाई ना कर सकूं, इसलिए इसने मुझे ब्लॉक किया हुआ। एनीवे, चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं मैक्सटन और UK07 राइडर के बारे में। तो क्या मैक्सटन और UK07 राइडर के बीच कंट्रोवर्सी होने वाला है? जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि मैक्सटन एक पॉडकास्ट में गए हुए थे, जहां पर UK07 राइडर के गाड़ी के ऊपर बात कर रहे थे और कहे थे कि UK07 राइडर मात्र 6 महीना के लिए गाड़ी लाते हैं, जिसके ऊपर UK07 राइडर भी रिप्लाई दिए हुए थे। तो अब ये हुआ कि रेडिट पर मैक्सटन एक सेशन रखे हुए थे आस्क मी एनीथिंग, जिसके नीचे किसी ने ये लिख दिया था, भाई फिर से एक कंट्रोवर्सी कर लो। इस पर रिप्लाई देते हुए मैक्सटन कहे अनुराग डोवाल को, बोलो पोक करना बंद करे मुझे, वरना उसी से होगी अगला। तो चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं फ्लाइंग विस्ट के बारे में। तो शायद आपको पता होगा कि उन्होंने अपना एक ब्रांड लॉन्च किया हुआ है रोजियर फूड के नाम से, इसमें वो डेयरी प्रोडक्ट बेचते हैं, बेसिकली घी। लेकिन उन्होंने लोगों को इस प्रोडक्ट को खरीदने से पहले सावधान रहने को कहा। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, आप खुद ही देख लीजिए। एक बात लिए ध्यान रखें, अभी हम अपना प्रोडक्ट सिर्फ rozierfoods.com, जो हमारी वेबसाइट है, और अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे बेच रहे हैं। अमेजोन फ्लिपकार्ट पे अभी आउट ऑफ स्टॉक है, कल सुबह हम अमेजोन और फ्लिपकार्ट को थोड़ा सामान भिजवा देंगे, तो कल से वहाँ पे लाइव हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा और कहीं लाइव नहीं है, बहुत सारी फेक वेबसाइट्स आ गई हैं। UK में हमारा माल बिक रहा है, कनाडा में हमारा माल बिक रहा है। कैसे बिक रहा है, हमने आज तक कहीं नहीं भिजाया, हमारे पास खुद आउट ऑफ स्टॉक है, बाहर क्या भेजेंगे। तो सतर्क रहे, सावधान रहे, और कहीं से ना खरीदे, पता नहीं लोग क्या बेच रहे हैं हमारा नाम लगा के। तो ऐसे ही मजेदार वीडियो पाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।